तो देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, सीएम योगी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आ रही है। महान स्वतंत्रता संग्राम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री सदैव पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों का स्मरण करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश का ही भाग जो आज उत्तराखंड के रूप में है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में हुआ था। उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान ही देश के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय सहभागिता निभाई थी। इस दौरान अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वतंत्र भारत में और देश के अंदर प्रथम चुनाव के उपरांत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की एक आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन करने के दौरान ही उन्हें देश के गृह मंत्री के रूप में भी पुनः कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। देश के लिए और देश की स्वाधीनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उनके प्रयासों को स्मरण करते हुए इस देश ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की पावन जयंती है, इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी भी आपने सुना, गोविंद वल्लभ पंत की जयंती है आज और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आपने देखा और उसके बाद मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पर उन्हें वो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।